देखिए कैसे हुआ यह हादसा और उनको बचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए, देखिए ये रिपोर्ट। सुरंग में जिंदगी की जंग, अगले कुछ घंटे बेहद अहम। छह दिन बाद जगी नई सुबह की आस। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन है 40 जिंदगी बचाने का। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने का। 13 तारीख से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी उम्मीद के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुश्वारियां हैं, बाधाएं हैं, लेकिन सभी मजदूरों को बचाने का जज्बा भी कम नहीं है। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। ड्रिलिंग के काम में लगी अमेरिकन हैवी ऑगर्स मशीन के रास्ते में चट्टान आने से रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ देर तक रुका, लेकिन फिर शुरू भी हो गया। मेरे पीछे आप इस सुरंग में देख सकते हैं कि इस समय भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है और रात जरूर कुछ हर्डल्स आई थी और जो उसका मशीन का जो आगे का ब्लेड होता है जिसको ऑगर बोलते हैं, तो वो उसमें कुछ ऐसी कठोर चीज टकराई थी तकरीबन 2 बजे के आसपास कि उससे थोड़ी कुछ देर काम रुका। उस ऑगर को निकाला गया, उसका परीक्षण किया गया और जो अंदर जो कठोर चीज आई थी उसको रिमूवल के लिए काफी देर तक ऑपरेशन चलता रहा, तो 3-4 घंटे रात कार्रवाई रुकी भी रही। रेस्क्यू में फिर कोई बाधा न आए इसके लिए बैकअप में एक और मशीन इंदौर से मंगवाई गई। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 200 लोगों की टीम 24/7 काम कर रही है। NHIDCL, NDRF, SDRF, ITBP, PRO, नेशनल हाईवे की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। इसके अलावा थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उन्हें समय समय पर पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। उनको जितनी भी जो मेडिकल एड है वो भी पहुंचाया जा रहा है, खाना, रसद, पानी जो है प्रॉपर उनको पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों का मनोबल बना रहे इसके लिए परिजनों से लगातार बातचीत भी करवाई जा रही है। लखीमपुर खीरी का रहने वाला 20 साल का मंजीत भी टनल में फंसा है। पिता चौधरी अपने बेटे को लेने आए हैं। बेटे से पाइप के जरिए बात की तो जान में जान आई। क्या आपकी बातचीत हुई अपने बेटे से? हुई थी सर, कल हुई थी। अच्छा, क्या बातचीत हुई? बातचीत यही थी कि हमने कहा हमने आ गए हैं, बेटे कैसे हो? कहा मैं स्वस्थ हूँ और घबराने की कोई बात नहीं, पिताजी घबराइएगा नहीं और मैं यहाँ स्वस्थ हूँ। तो हमने कहा ईश्वर से यही प्रार्थना है बेटे, हिम्मत रखे रहना, आ जाओगे बाहर बहुत जल्दी से जल्दी, काम जारी है। मजदूर सुरंग के एंट्री पॉइंट से करीब 270 मीटर अंदर फंसे हैं। जहां मजदूर फंसे हैं वहां ठीक उनके आगे 50 मीटर से ज्यादा मलबा है। रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल इस बात की है कि टनल का यह हिस्सा बेहद कमजोर है। अब इस 50 मीटर से भी ज्यादा लंबे मलबे के बीच 800 और 900 मिलीमीटर चौड़े स्टील पाइप डाले जा रहे हैं। ये 6 मीटर के पाइप हैं, एक पाइप के साथ जोड़ करके दूसरे पाइप को धीरे धीरे अंदर भेजा जा रहा है। करीब 70 मीटर तक उन्हें जाना है और 70 मीटर के बाद जो मजदूर हैं अंदर, जो कामगार हैं, वो पाइप के जरिए बाहर निकाले जाएंगे और इन पाइप के जरिए ही एक एक करके मजदूरों को निकाला जाएगा। ये 820 डाया का पाइप है, इसमें एक आदमी आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या हम वो लगाएंगे, कोई ट्रॉली लगाएंगे? ट्रॉली लगा देंगे, अगर आदमी कमजोर है तो ट्रॉली पे लेट के आदमी आराम से आ सकता है। 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हादसा हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 270 मीटर दूर मिट्टी धंस गई थी, मलबा 70 मीटर तक फैल गया था। सुरंग में जो मजदूर फंसे हैं वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा,
उत्तराखंड और हिमाचल के रहने वाले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरंग बनाने वाली कंपनी NHIDCL के PRO गिरधारी लाल ने दावा किया कि सारे मजदूर सही सलामत हैं, गुमराह ना हो। ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है, बिल्कुल लगे हुए हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने नंबर वन दर्जे आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे और ये 100% कामयाब होगी। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर संतोष जाहिर किया है और बताया कि पूरे ऑपरेशन की समीक्षा खुद PM मोदी कर रहे हैं। 30 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है। बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नजर भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। सिलकियारा और डंडाल गांव के बीच इस सुरंग की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, जिसमें सिलकियारा की तरफ से एंट्री गेट से करीब 270 मीटर अंदर 40 मजदूर फंसे हैं। मजदूरों तक पहुंचने के लिए आगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अत्याधुनिक मशीन के अगले हिस्से में एक स्क्रू ब्लेड लगी होती है। ये ब्लेड घूमती हुई किसी भी सतह में सुराख कर सकती है। इसके बाद मलबे के अंदर से सुरंग में 1 मीटर से थोड़ी कम चौड़ी स्टील की पाइप डाली जाएगी। अब ये एक और एनिमेशन देखिए। करीब 70 मीटर चौड़े मलबे में पाइप डालने के बाद मजदूरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा और मजदूर इस पाइप में घुटनों के बल चलकर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। उत्तरकाशी के सुरंग में 6 दिनों से फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश भी जारी है। देखना होगा ये कोशिश कब रंग लाती है। टीम न्यूज नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हमास इज़राइल जंग की करते हैं, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, वेस्ट बैंक के पलाटा कैंप पर इजरायली सेना की भीषण बमबारी में अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन में लगे 3 आतंकी कमांडर मारे गए हैं। पलाटा कैंप हमले में फतेह ग्रुप का ऑफिस तबाह हुआ है, जहां अल अक्सा ऑपरेशन से जुड़े 3 कमांडर ढेर हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार जो कमांडर हैं हमास के आतंकवादी, उनको खत्म करने की कोशिश इसराइल की तरफ से, और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। लगातार आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया जा रहा है, आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है। और इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, उत्तरी गाजा में इसराइल पर हमास का भयानक अटैक हुआ है। बेथनॉन में IDF पर सैनिकों पर बरसाई गई है ताबड़तोड़ गोलियां। हमास ने IDF के एक जवान की मौत का दावा किया है, जबकि IDF के 2 जवान इस हमले में घायल हुए हैं। तो लगातार देखिए किस तरह से गोलीबारी हो रही है, किस तरह से बम गिराए जा रहे हैं, और ये जो दावा किया जा रहा है हमास की तरफ से, जिसने दावा किया है कि IDF के एक जवान की मौत हो गई है, जबकि 2 जवान हमले में घायल हुए हैं।